जो ड्रामा उतार रहा है भाई, मतलब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केएसआर न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे अरब आ चुका है। ओए नहीं, अरब नहीं, नो नो नहीं, ऐसे चल उतार। जुराबे उतारनी है, जुराबों के लिए लड़ाई कर रहा है अपनी। है जुराबे उतारनी है। ठंड है, ठंड है, ठंड है। ले पीट दे, पीट दे, पीट दे। ओए 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 ओए, उतार के नहीं है तैयार। ये जुराबे उतारने के लिए कर रहा है। सब फेवरेट खेल है आरव। झा कर तो झा, अंदर घुस गया आरव। मेरे पास मत आओ, मैं फोन नहीं दूंगी। मेरे पास मत आओ, मैं नहीं दूंगी फोन। फोन नहीं मिलेगा। ओए फोन लोगे? ओ फोन नहीं मिलेगा। चलना सीखा आपको फोन चाहिए? मेरे पास चल के आ रहा था। आपको फोन चाहिए? हाँ। ओ ये कौन बच्चा आ गया? फोन चाहिए आपको? हाँ। फोन नहीं मिलेगा, फोन नहीं मिलेगा। तो हेलो जी कर दो। अरे हेलो कर दो सबको। ये देख रहा है, फ्लाइंग किस कर दो पहले। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो सबको, ऐसे कर दो। जा बाय कर दो। अरे बाय 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 कर दो। बाय 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 कर दो। अभी तो हेलो करने का टाइम है, हेलो करो। अभी तो हमने शुरुआत करी है, हेलो करो। हेलो अरे जय कर दो, जय कर दो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है के एस फैमिली व्लॉग में। तो जी अभी ना दोपहर के जो है ना 12:30-1 बजे का टाइम हो गया है, और यहाँ पर जो है मैं मैगी बना रही हूँ। मम्मी को जो है ना मैंने खाना दे दिया है, और आज जो है ना मैगी खाने का मन हो रहा है। तो जी कई बार होता है कि सब्ज़ी जो होती है ना, कई बार मन नहीं होता खाने का, तो मन होता है चलिए जी थोड़ी सी मैगी बना लेते हैं। तो आज थोड़ी सी चटपटी सी मैगी बनाने का मन हुआ, तो इसमें जो है ना मैंने हरा धनिया, प्याज और सारे मसाले जो है ना डाल दिए हैं, और बाद में जो है मैंने मैगी का मसाला डाल दिया था। और इस तरीके से बनाते हैं ना, तेल वगैरह डाल के, तो मैगी जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जी यहाँ पर जो है ना मैगी बन के तैयार हो चुकी है मसाले वाली, और इसको खाने वाले जो हैं दो उम्मीदवार हैं। एक तो शहरी उम्मीदवार है, और जी एक जो है ना मैगी उम्मीदवार है उसकी। तो आज जो है ना हम दोनों ही मैगी की पार्टी कर रहे हैं। गुड्डू जो है स्कूल गया है। अब जब ये स्कूल से तब लड़ेंगे कि तुमने मैगी खाई है। हाँ। वीडियो देखे, क्योंकि जी रोज रोज मैगी जो है ना खानी अच्छी होती नहीं है, इसलिए तो घर आके मैं ला रहा हूँ, मैं भी खाऊंगा। चलो भाई बराबर है ना? बराबर है। थोड़ी सी ज्यादा ले लो। कौन सी चाहिए? मैं तो नहीं भाई, मैं तो अपनी ये वाली ले। ये वाली में सही है। आपके लिए थोड़ी सी और ज्यादा डालिए। चलो जी लंच करके जो है ना अभी ऊपर आ गई हूँ, शहरी को भी लेकर आ गई हूँ। सोच रही थी थोड़ी सी धूप आ रही होगी तो शहरी को बिठाऊंगी धूप में, लेकिन सारे में से जो है ना धूप चली गई है, और अभी जो है 2 बज चुके हैं, और मैं इस बोर्ड में जो है ये लगा रही, प्लग लगा रही, तो ये जा नहीं रहा है। पता क्यों नहीं जा रहा ये ना? ये क्यों करते हैं इसको? तो क्योंकि ना ये बंद हो गया, अब दोबारा ये खोलने पड़े। ये पता नहीं ऐसे करके ऊपर पहुंचता है ये आजकल। अब ये नए चल गए ना, इसमें होता ही नहीं, घुसता नहीं ऐसे करके। तो वो वाला जो बोर्ड है ना खिड़की के यहाँ, दरवाजे के यहाँ, तो इसको मशीन को जो है मैं वहीं सरका के लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है ना कपड़े धोने हैं। अरे मैं भी सरका दूंगी। आप मुझे कहो, मैं सरका लूंगी। खास कर खींचेंगे। तो यहाँ पर लगा के जो है ना कपड़े धोऊंगी। चलो तो जी इसका तार जो है ना मैंने खिड़की में से ले लिया है, और इस वाले बोर्ड में लगाऊंगी, और यहाँ पर जो है ना सही से लग गया है। अगर मशीन मैं वहाँ लगाती हूँ ना, वैसे मैंने यही मशीन लगा दी थी, अब यहाँ से जो है ना मेरे को हटा के जो है ना यहाँ लगानी पड़ी है, लेकिन शाम को जो है ना मैं दोबारा से मशीन यही रखवाऊंगी, क्योंकि मेरे से इस वाले बोर्ड में जो है ना प्लग नहीं जा रहा है, तो वो जो है ना अपने आप कर देंगे। कैसे करेंगे? और उन्हीं से लगवाती हूँ मैं इसमें जब प्लग लगाना होता है। तो यहाँ की जो है ना छत की क्लीनिंग भी करूँगी, अभी काफ़ी गंदा हो जाता है। 2 दिन भी अगर इधर की सफाई ना करो ना,
तो काफ़ी जो है ना गंदा हो जाता है इधर से, और पाइप जो है ना जब इधर मशीन लगाती हूँ तो पाइप इधर से पास पड़ता है, और किचन में इसका जो है ना पाइप लगा देती हूँ तो खोलने में, नल चलाने में, बंद करने में जो है आसानी रहती है। यहाँ से जो है थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो जी यहाँ पर जो है ना मैंने मशीन लगा दी है, और सबसे पहले जो है ना मैं अपने नए सूट धो रही हूँ, और ये जो है मैं कल ही टेलर से लेकर आई हूँ, और टेलर से लाने के बाद है ना एक बार मैं कपड़ों को जो है ज़रूर वॉश कर लेती हूँ, तो बस इन्हीं को जो है ना, और ज़्यादा सर्फ़ की ज़रूरत नहीं है, हल्के से सर्फ़ में जो है इनको मैं धो दूँगी। तो जी अभी शाम के जो है ना 4 बज चुके हैं, और छत की क्लीनिंग करने के बाद, कपड़े धोने के बाद जो है ना मैं नीचे आ गई हूँ, और दोपहर के जो बर्तन है ना खाने के उनको धो रही हूँ मैं, और इसके बाद जो है मैं बनाऊँगी चाय, और चाय पीने के बाद जो है मैं जाऊँगी मार्केट, मुझे जाना है सब्ज़ी मंडी, क्योंकि मुझे वहाँ से लानी है हरी मिर्च जो मैंने अभी छोकी थी ना, जिनका अचार बनाया था मैंने, तो काफ़ी टेस्टी लगी वो सभी को और बच्चों को भी, तो दोबारा से कह रहे हैं कि फिर दोबारा से वही वाली मिर्च का जो है अचार बना, तो वही जो है ना मैं लेने जाऊंगी अभी शाम को। तो चलिए जी फटाफट से जो है ना बर्तन धो लेती हूँ। और गुड्डू स्कूल से आ चुका है, कैसा गया आज का दिन? चला गया। चला गया, कैसा चला गया आज का दिन आपका, कैसा गया ये बताइए? चला गया, चला गया बस, मतलब बोर क्या हुआ? बोर कैसे हो गए भाई? स्कूल में कोई बच्चा बोर कैसे हो सकता है? कोई पीरियड नहीं लगता ना तो बोर हो जाते। कोई पीरियड नहीं लगता मतलब? कोई अच्छा कोई भी दोस्त नहीं आया इसलिए बोर हो गया। तो जी मार्केट से जो है ना मैं होकर आ गई थी, और यहाँ पर जो है ना मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और मिर्च जो है ना मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो जी रात का डिनर जो है ना हो चुका है, और किचन को भी जो है मैंने क्लीन कर लिया है, और अब यहाँ आ चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्टोरेज बॉक्स। तो ये बताओ मैं किससे बना रही हूँ? ये बना रही हूँ मैं, जो मैं कुकर लेकर आई थी ना नॉनस्टिक, तो उसका जो है ना डब्बा मैंने रख लिया था, और कई बार जो होता है कुछ सामान मैं लेकर आती हूँ ना तो उनके डब्बे जो है मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको जो है ना मैं इस्तेमाल में ले लेती हूँ, या तो जो है मैं उनका डेकोरेशन आइटम बना लेती हूँ गत्ते का, क्योंकि गत्ते से जो है ना काफ़ी सुंदर डेकोरेशन आइटम बनते हैं, और पहले भी जो है मैंने कई बार बनाए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ स्टोरेज बॉक्स, तो चलिए दोस्तों आपको भी दिखाती हूँ किस तरीके से बनाऊँगी। तो दोस्तों इसके जो दोनों साइड के गत्ते हैं ना वो मैंने जो है ना कैंची से जो है काट लिए हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका जो है ना मैं क्या इस्तेमाल करूंगी। और यहाँ पर ना शहरी सोच रही थी कि मेरी मम्मी जो है ठंड में बैठी हुई है फर्श पे, तो शहरी ने लिए मेरे लिए जो है ना शॉल बिछा दिया था, और बिछाते वक्त जो है ना गिर भी गई थी। Thank you.
सुबह के जो है ना 9:30 हो रहे हैं और अभी जो है घर की क्लीनिंग जो है मैंने अभी करी नहीं है, बस अभी घर की क्लीनिंग भी शुरू करती हूँ। और रात को जो है ना काफ़ी देर बैठ के जो है मैंने कुकर के डब्बे से जो है ना स्टोरेज बॉक्स बनाया था, तो रात को जो है मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था, तो अब जो है अच्छे से सूख चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो कई बार जो होता है ना काफ़ी सामान ऐसा होता है जिसको इस्तेमाल में ला के जो है ना हम कुछ भी अच्छा सा कुछ बना सकते हैं, तो कई बार होता है मैं बना लेती हूँ कई चीज़ें जो होती हैं। तो जी मैंने इस तरीके का जो है ना स्टोरेज बॉक्स बनाया है, तो काफ़ी जो है ना इसके अंदर स्पेस भी है, तो देखिए इधर भी सामान रख सकते हैं इसके अंदर, इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। और चारों तरफ जो है ना मैंने इसमें ये पेपर भी लगा दिया है और काफ़ी जो है ना सुंदर लग रहा है ये। तो चलिए जी इसके अंदर जो है ना सामान रखते हैं और आपको भी दिखाते हैं और मैं भी देखती हूँ कि इसके अंदर जो है ना कितना सामान आ जाएगा। देखिए दोस्तों काफ़ी सामान जो है ना मैंने इसके अंदर रख दिया है और उसके बाद भी जो है ना इसके अंदर और भी बहुत सामान आ जाएगा, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है ना मैंने अपने रख दिए हैं, ये मेरा नया ही सामान है जो मैंने अभी शादी में जो ख़रीदा है, और इसके अंदर जो है ना मेरी चूड़ियाँ हैं और ये जो है कॉस्मेटिक का सामान है, यहाँ जो है मैंने बिंदियाँ रख दी है नई, और इतना सामान रखने के बाद काफ़ी स्पेस है। और इसके अंदर जो है ना मेरे नए चूड़े भी हैं जो मैंने अभी शादी में ख़रीदे थे, तो देखिए जी ये रखने के बाद भी जो है ना काफ़ी स्पेस हो जाएगा इसके अंदर। तो बंद करके भी दिखाती हूँ मैं आपको, तो देखिए काफ़ी आसानी से जो है ना ये बंद भी हो गया है। तो आपको ये तरीका मेरा कैसा लगा कुकर के डब्बे से जो है स्टोरेज बॉक्स बनाने का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मेरी वीडियो को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ एक और अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय जी।